हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन न्यू ट्यूशन मैं हूँ स्मृति शुक्ला और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेपर डूज एंड डोंट्स के बारे में तो मेरे पास है ये एक सैम्पल पेपर और इस सैम्पल पेपर के थ्रू मैं आपको बताऊँगी कि इंग्लिश पेपर को स्पेसिफिकली आपको प्रेजेंट कैसे करना है आई एम टेक यू अक्रॉस ऑल द फोर सेक्शन ऑफ इंग्लिश पेपर एंड देन आई लेट यू नो हाउ टू प्रेजेंट ईच एंड एवरी सेक्शन प्लस हम डिस्कस करेंगे इसके सारे फॉर्मैट्स राइटिंग स्किल के सारे फॉर्मैट हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल सो लेट स्टार्ट सो लेट स्टार्ट विद समिप्स सबसे पहले जैसी आपको आपका आंसर शीट मिले मेक श्योर sure आपने सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर ली है अच्छी तरह से आपका रोल नंबर आपका सीट नंबर उनके वर्ड्स में आपका सिग्नेचर एंड योर सेंटर नंबर आफ्टर फिलिंग ऑल दीज थिंग्स यू गोइंग टू फिल द सब्जेक्ट पेपर डेट एंड द लैंग्वेज ऑफ आंसर प्लस अलॉग विद दैट एट द एंड ऑफ द पेपर वैन यू फिनिश्ड योर पेपर यू गोइंग टू मैंशन द नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स यू ऑल हैव टेकन अलॉंग विद द मेन बुक ओके सो लाइक दिस चाइल्ड हैज टेकन टू सप्लीमेंट्स सो ही हैज नंबर टू ओवर योर एंड वन प्लस टू इज थ्री सो इन ऑल ही हैज गॉट थ्री पेपर्स और थ्री बंच इन दिस पर्टिकुलर सेट

नेक्स्ट थिंग इज दैट यू गॉइंग टू मैंशन द क्वेश्चन नंबर फॉर ईच क्वेश्चन डो नॉट फर्गेट दिस अगर आपने कहीं पर भी अपना क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए हैं तो योर मार्क एग्जामिनर माई नॉट गिव यू द एग्जैक्ट मार्क्स या फिर शायद वो आपको मार्क्स ही ना दे राइट right? तो इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर मैंशन करना बहुत जरूरी है एंड देन यू कैन मैंशन द सब क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन ए एंड ए वन क्वेश्चन नंबर वन ए एंड ए टू ऑल्सो यू कैन मैंशन यू कैन राइट द सब क्वेश्चन ऑन द सेम पेज बट मेक श्योर योर राइटिंग अ न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज सब क्वेश्चन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसी पेज पे बट नए क्वेश्चन को आपको एक नए पेज से शुरू करना है फॉर एग्जाम्पल दिस चाइल्ड हैज़ रिटर्न क्वेश्चन नंबर वन एन दिस शीट एंड द क्वेश्चन नंबर टू ए विच इज सेक्शन नंबर टू टेक्सल पैसेज दिस कोज ऑन द न्यू पेज सिमिलरली क्वेश्चन नंबर टू बी हैज कम ओवर हेयर एंड क्वेश्चन नंबर थ्री ए विच इज सेक्शन थ्री पोएट्री हेज कम अगेन ऑन द Next page or the new page. So, in this way you can obviously write the sub questions on the same page, but a new question should obviously go on the new page. Clear? Now, do not forget to draw lines between the same. अब आपको question number one a में और question number eight two में lines बनाना बहुत जरूरी है। sir इसलिए ताकि आपका paper बहुत ही साफ दिखे, बहुत ही अच्छा दिखे और एग्जामिनर को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो कि आपका क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड हीयर स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर ए टू नेक्स्ट एंड मे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक श्योर योर राइटिंग इज वेरी नीट एंड वेरी इलेजिबल अगर आपका राइटिंग बहुत अच्छा होगा तो ही एग्जामिनर सी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन लैंग्वेज इज ऑल अबाउट योर हैंड राइटिंग जितनी अच्छी आपकी हैंड राइटिंग होगी जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अगर आपकी राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी राइटिंग ही आपके एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगी तो वो पता नहीं क्या ही मार्क्स देगा फॉर एग्जाम्पल look at द एक्स ओवर here. दिस एक्स लुक्स लाइक एन टू मी और शायद बहुत सारे लोगों को ये एक्स एन लगेगा तो it's okay. मैनी पीपल राइट in कर्स बट आपका कर्सेव ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि वो समझ में ना आए सो मेक श्योर देट यू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स तो पहली बात थी मैंने आपको बताया कि मार्जिन बनाना है ऑन बोथ हैंड साइड्स यूर राइट गोइंग टू अट द क्वेश्चन नंबर वेरी प्रॉपरली एंड डो नॉट फर्गेट टू पुट योर सेक्शन एज वेल नाउ दिस चाइल्ड हैज़ ऑल्सो पुट सेक्शन नंबर वन लैंग्वेज स्टडी एंड देन गोज सेक्शन नंबर टू टेक्सचुअल पैसेजेस ये करना मत भूलेगा जैसे ही आप एक नया सेक्शन शुरू करते हैं सेक्शन ऊपर लिखिएगा ज़रूर ठीक है तो ये थे सारे जनरल टिप्स अब बात करते हैं इन डिटेल में सारे सेक्शंस के बारे में सो लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर वन दैट इज लैंग्वेज स्टडी लैंग्वेज स्टडी में यू माइट हैव क्वेश्चन लाइक डू एज डिरेक्टेड

ओके डो नॉट फर्गेट टू अंडरलाइन दिस नेक्स्ट वेन ए व यूअर आस्ड नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड बोर टू शो दैट दे आर होमोग्राफ्स अब इसके लिए भी द गर्ल हैज क्लियरली मैंशन द वर्ड एंड शी हैज़ अंडरलाइन द वर्ड वेरी प्रॉपर्ली सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी हैं और इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस वेर इन यू हैव टू रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज और लेट से यू हैव टू फिल इन द स्टेटमेंट और कंप्लीट द स्टेटमेंट्स ऐसे चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे इस

नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट अ पैसेज नाउ दिस स्टिप वॉज ऑलरेडी गिवन टू यन ऑफ द प्रेजेंटेशन वीडियोज तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पैसेजेस होते हैं सॉल्व करने के लिए और आई वू डू इस रीड द क्वेस्चन्स फर्स्ट पिक आउट द की वर्ड्स एंड देन गो ऑन रीडिंग योर पैसेज मैनी टीचर्स माइ एडवाइज यू दैट रीड द पैसेज फर्स्ट एंड देन फाइंड आउट द आंसर माई आई वुड सजेस्ट एड फ्रादर रीड द क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड आउट द की वर्ड्स एंड देन गो एंड रीड योर पैसेज दिस विल हेल्प यू सेफ टाइम प्लस दिस वुड ऑल्सो हेल्प यू फाइंड आउट दी आंसर्स वेरी वेरी क्विकली तो ये वाला टिप जरूर ट्राई करेगा पैसेजेस के लिए हमेशा पैसेज में टाइम इन्वेस्ट मना करके अपने क्वेश्चन को रीड करिए एंड क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप पैसेज में फिर से जा सकते हैं और उन पैसेज में से अपना आंसर ढूंढ सकते हैं सो वेन आई टॉक ऑफ सेक्शन नंबर थ्री विच इज पोएट्री अब पोएट्री में से अगेन यू विल भी हैविंग वन सीन पोएट्री एंड वन अन सीन पोएट्री ओके तो जब सीन पोएट्री की बात आती है तो ऑब्वियसली उसमें से फिगर ऑफ स्पीचेस जरूर से जरूर आएंगे ये एक शोर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है यू विल भी हैविंग फिगर ऑफ स्पीचेस यू विल हैविंग रॉमिंग स्कीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग विच विल बी आस्ड इन योर सेक्शन थ्री सो मेक श्योर योर थरो विद योर फिगर ऑफ स्पीचेस मेक श्योर योर थरो विथ ऑल द रमिंग स्कीम्स एंड द रमिंग वर्ड्स प्लस स्टेट बोर्ड के पेपर में अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इज़ वन शोर्ट शॉर्ट क्वेश्चन विच विल कम फॉर फाइव मार्क्स सो माई सजेशनज मेक श्योर यूर थरो विथ ऑल द पोएम्स और ऑल द पोम्स एंड यू आर लर्निंग द अप्रिसिएशन ऑफ इट वेरी वेरी प्रॉपरली एंड इफ यू यू हैव लर्न द अप्रिसिएशन वेरी प्रॉपरली ट्रस्ट मी आपको एग्जाम के टाइम पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इन नो टाइम यूल बी एबल टू कम्प्लीट द सेक्शन थ्री वेरी वेरी इजिली नाउ इफ आई टॉक ऑफ द ग्रामर क्वेस् आप ग्रामर के लिए आई एम सॉरी बट देन प्रैक्टिस इज द ओनली की आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे होते जाएंगे ग्रामर में ग्रामर इज इक्वल टू मैथ्स इज वॉट आई टेल मैथ जितना प्रैक्टिस करें उतना आप अच्छे होते जाएंगे मैथ्स में उतना यू विल भी कॉन्फिडेंट इन मैथ सेम थिंग अपलाइज टू योर ग्रामर पेपर एज वेल और ग्रामर सेक्शन एज वेल जितना आप ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे होते जाएंगे बात करूँ समरी राइटिंग की समरी राइटिंग में ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू पुट अ टाइटल वेरी प्रॉपरली बहुत सारे बच्चे समरी राइटिंग में टाइटल नहीं ऐड करते दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लैंडर्स व्हेन यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन फॉर फाइव मार्क्स यू विल ओनली गेट इधर टू मार्क्स और मैक्सिमम टू पॉइंट फाइव वैन यू डू नॉट राइट अ टाइटल कई के बाद आपके क्वेश्चन में मैंशन होगा दैट सजेस्ट अटेबल टाइटल ओवर योर बट कई के बार ये मैंशन नहीं होगा वेदर इट इज़ मैंशन और इट इज़ नॉट यू विल राइट अ टाइटल और यू विल बी गिविंग अ सूटेबल टाइटल एंड अ वेरी कैची टाइटल टू योर समरी नेक्स्ट मिस्टेक दैट मेनी स्टूडेंट्स मेक इन समरी राइटिंग इज दैट दे राइट समरी इन पैसेजेस सॉरी पैराग्राफ्स I am sorry, that, but summary is just the one fourth part of the passage given. तो so, ये ये one fourth part बनाने के लिए आपको अलग अलग paragraphs बनाने की ज़रूरत नहीं है आप summary maximum टेन lines में ख़त्म कर सकते हैं और इन टेन lines में ख़त्म करने के लिए आपको अलग अलग paragraphs बनाने की ज़रूरत नहीं है So question number फोर B, is a summary. Look at look here. This girl has रिटर्न done exactly the way I have told. फोर बी

या मैक्सिमम पंद्रह भी तो बहुत ज्यादा हो गया दस लाइन में आपका समरी खत्म हो जाना चाहिए ओके okay, लेकिन एक टाइटल ज़रूरी है समरी हो रिपोर्ट राइटिंग हो स्पीच राइटिंग हो कोई भी राइटिंग हो टाइटल इज मस्ट लेट्स प्रोसीड फर्दर अब बात करते हैं सेक्शन नंबर फोर की विच इज योर राइटिंग स्किल अब राइटिंग स्किल में लेटर राइटिंग की बात कर लेते हैं लेटर राइटिंग में सबसे पहले आएगा, आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस देन कम्स योर डेट एंड देन कम्स द रिसीवर्स एड्रेस अब ये याद रखिए पहले होता था कि आपका सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे होता था राइट हैंड साइड में लेकिन द पैटर्न हैज चेंज एंड यू विल बी राइटिंग एवरीथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर एवरीथिंग मीन्स एवरी थिंग योर सेंडर्स एड्रेस अलॉन्ग विद द डेट अलॉन्ग विद योर रिसिवर्स एड्रेस योर सब्जेक्ट योर सैल्यूटेशन योर इंट्रोडक्शन मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन एवरी थिंग गोज ऑन वन सिंगल पेज नॉट वन सिंगल पेज बेसिकली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर मेक श्योर सब्जेक्ट भी देखिए कैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट भी आप मैक्सिम दो लाइन्स में से दो लाइन में लिखेंगे और जो इंपॉर्टेंट बात है उसमें आपको कन्वे करना है कि आपने पेपर क्यों लिखा है द सब्जेक्ट इज मैंट फॉर दैट सो जस्ट डू नॉट एलेबोरेटेड बहुत सारे बच्चे कॉपी कर देते हैं एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन यहाँ पे वो बहुत ही गलत है डू नॉट डू दैट मिस्टेक देन कम्स योर सैल्यूटेशन एंड एवरीवेयर देयर इज़ अ प्रॉपर पैटर्न फॉर स्टार्टिंग द लेटर एंड टू एंड द लेटर मेक श्योर यू आर रीडिंग दैट एंड फिटिंग इट इंड टू योर हेड हाउ टू स्टार्ट अ लेटर एंड हाउ टू एंड द लेटर ये आपने कर लिया ना तो आपका सेवेंटी परसेंट ऑफ लेटर राइटिंग वहीं पर ख़त्म हो जाता है और आपको सोचना होता है सिर्फ मेन बॉडी के लिए एंड आई होप ये तो बहुत सारे बच्चे ही कर लेंगे तो हमेशा हमेशा क्या करें इंट्रोडक्शन के लिए प्रिपेर्ड रहें कंक्लूजन के लिए प्रिपेयर रहें मेन बॉडी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या अपने क्वेश्चन के हिसाब से आप मेन बॉडी उसका बना सकते हैं तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर लेटर राइटिंग इट शुड एवरी थिंग शुड गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड योर सेंडर्स एड्रेस योर डेट रिसिवर्स एड्रेस सब्जेक्ट सैल्यूटेशन एंड योर सब्सक्रिप्शन एज वेल सो इन दिस वे सारा का सारा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा क्वेश्चन नंबर लिखना फिर से ना बोलें और सब कुछ हाँ मेन चीज यहाँ पे अगर आपको एक नाम ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है क्वेश्चन में डो नट फर्गेट टू राइट दैट नेम और एल्स यू कैन यूज ए बी सी और एक्सवाइजेड फॉर यू नेम अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं हाउ शुड द डेट बी रिटर्न हाउ शुड द डेट बी रिटर्न देर आर मेनी पैटर्न्स टू राइट अ डेट इट कैन बी एटीन एटीनथ आई कुड हैव मैं फेबरुअरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन आई कुड मैंशन एटीन फेब ट्वेंटी ट्वेंटी वन नो यू विल नॉट डू दैट आप टी एच नहीं लगाएंगे आप फेब्रुवरी का फेब नहीं बनाएंगे या जनवरी का जान नहीं बनाएंगे क्लियर यू आर देर इज नो शार्ट कट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू नॉट यूज एनी शॉर्ट कट्स कोई भी हो एंड भी बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं एंड के लिए भी आपको एंड ना लिख के ए एंड डी पूरा वर्ल्ड लिखना है ये बात ध्यान में रखिए तो ये पैटर्न जो इस बच्चे ने यूज़ किया दिस इज़ द करेक्ट पैटर्न और एल्स आपको अगर ईयर मेंशन नहीं करना तो ट्वेंटी एंड डबल एक्स यू कैन पुट इट इन दिस वे इवन दैट इज़ फाइन और अगर आपने पूरा ईयर लिखा तो ये भी कुछ गलत नहीं है ये भी सही है लेकिन टी एच ना डालें और फेबरुवरी को एफ ई बी ना करें ये आपने अगर मिस्टेक्स की है तो आपके मार्क्स कट होंगे फॉर श्योर sure. एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लेटर राइटिंग इज दैट डो नॉट पुट एन अपोस्ट ऑफे इन योर्स योर्स बिना अपोस्टॉफे के होता है वहां पर अपोस्ट ऑफे डालने की कोई भी जरूरत नहीं है इट शुड बी योर्स सिंसियरली योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली वट एवर इट माइट भी लेकिन योर्स में अपोस्ट ऑफेस नहीं लगेगा सो दैट वॉज ऑल अबाउट योर फॉर्मल लेटर इफ आई टॉक ऑफ इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस फिर आएगा आपका डेट

पॉइंट यू कैन थिंक एंड यू कैन राइट अगर आपके पास ये दो चीज़ें रेडी है ये चीज़ आप ऑन द स्पॉट रेडी कर सकते हैं देन कम्स यूर सब्सक्रिप्शन थैंक यू एंड देन थैंक यू वैसे बोलने की जरूरत नहीं है इनफॉर्मल लेटर अब बट देन डू कन्वे योर रिगार्ड्स इन द लास्ट पैराग्राफ एंड देन योर लविंग डॉटर योर लविंग सन एंड देन योर नेम इफ द नेम इज मैंशन इन द पैराग्राफ इन द क्वेश्चन पेपर डू नॉट फर्गेट टू यूज दैट पर्टिकुलर नेम ओनली कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आर एज स्पीच राइटिंग अब स्पीच राइटिंग के लिए भी मैंने आपसे कहा है कि टॉपिक लिखना अपना टाइटल लिखना बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर भी देखिए इस बच्चे ने टाइटल अच्छे से मैंशन किया है उसको अंडरलाइन भी किया है एंड देन योर स्पीच राइटिंग गोज़ इन थ्री पैराग्राफ्स आप शुरू कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस बाय टेलिंग दम गुड मॉर्निंग एंड इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ गिविंग योर ओन इंट्रोडक्शन एंड देन यू कैन कम ऑन द पॉइंट एंड टॉक अबाउट वॉट द टॉपिक इज गिविन टू यू एंड देन यू कैन एंड द स्पीच राइटिंग इन अ वेरी प्रॉपर एंड फॉर्मल वे मेक श्योर अगेन यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स मेक श्योर यू नॉट यूजिंग एनी इनफॉर्मल लैंग्वेज हो और एनी स्लैंग लैंग्वेज योर मेक पुड मेक योर लैंग्वेज वेरी फॉर्मल एंड डो नॉट यूज एनी शॉर्टकट्स ये था स्पीच राइटिंग के बारे में अब बात करते हैं किसी और टॉपिक के बारे में सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ अ रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग में भी एज यूजल आपने हेडलाइन डालना बहुत ज़रूरी है ठीक है हेडलाइन डालिए अपना हेडलाइन बहुत टाइम पे प्रेजेंट टेंस में आता है जैसे कि फोर्टीन चाइल्ड लेबर्स रेस्क्यूड फ्रॉम द फायर वर्क फैक्ट्री ये सारा ही आपका प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ हेडलाइंस ज़्यादातर आपको प्रेजेंट टेंस में ही समझ लिखी जाती हैं इसके बाद डायरेक्टली यू कैन राइट बाय हुएर हैज़ रिपोर्टेड उसका नाम या फिर अगर आपके बात बुक में ये पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं तो यू कैन राइट

Now let me talk about story writing. Now story writing is something where most of the students get stuck. तो so, उनको सोचने में ही बहुत ज़्यादा time लग जाता है तो so, इसके लिए भी मैं फिर से advice करूँगी that do read number of stories before your exams ताकि आपके दिमाग में एक proper कई सारे आइडियाज़ हो जिनको आप यूज कर सकेंगे एग्जाम पर टाइम पे तो सबसे पहली बात आपको टाइटल लिखना इज अ मस्ट टाइटल तो आप लिखेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ सम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ और द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड देन यू कैन थिंक ऑफ अ प्लॉट डिसाइड ऑन द प्लॉट इन द सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ एंड देन यू कैन एंड द इंटायर स्टोरी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट कभी भी नेगेटिव बात पर अपनी स्टोरी एंड ना करके पॉजिटिव नोट पर और हैप्पी नोट पर अपनी स्टोरी को एंड करें एंड डो नॉट फर्गेट टू मैंशन द मॉरल दैट यू गेट फ्रॉम द स्टोरी तो ये थी मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इंग्लिश पेपर को लेकर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डो नॉट फगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी अपने आप को इंग्लिश में हेल्प कर सकें ताकि वो ज़्यादा मार्क्स उनको मिले सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग